हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जिशान और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किसी भी लैपटॉप या कंप्यूटर में पीडीएफ फाइल को किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं, जेपीजी फाइल या पीएनजी फाइल को हम किस तरह से अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमें इसके लिए चाहिए होगा एक पीडीएफ क्रिएटर का सॉफ्टवेयर। अगर आपके पास नहीं है तो आप हमसे ऑनलाइन ले सकते हैं या गूगल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने अपने लैपटॉप में ये इंस्टॉल कर दिया है। यहाँ पर हमें कुछ भी एक नाम दे देना है, कोई भी नाम हम दे सकते हैं यहाँ पर इसको। तो दोस्तों, ये तो हो गया हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल। अब देखना है कि हम किसी भी अपने डॉक्यूमेंट को पीडीएफ फाइल कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल लेता हूँ, यहाँ पर कुछ भी टाइप कर लेते हैं। हमें जाना है दोस्तों सबसे पहले इसके मेन्यू में। मेन्यू में जाने के बाद प्रिंट पर, प्रिंट पर एक ऑप्शन आता है, जैसे प्रिंटर का ऑप्शन आता है M1005 या कोई भी अदर। तो यहाँ पर एक नीचे ऑप्शन आ जाएगा पीडीएफ क्रिएटर। हम पीडीएफ क्रिएटर पर क्लिक करने के साथ ही ओके करने के बाद हमसे पूछेगा सेव एस पीडीएफ। तो हमें यहाँ पर सेव एस पीडीएफ पर क्लिक करना है और जहाँ पर भी हमें इसको सेव करना है वहाँ पर हमें इसको क्लिक करके और सेव कर देना है। तो हमने डेस्कटॉप पर किया है, तो एक बार हम डेस्कटॉप पर चेक कर लेते हैं कि ये फाइल आ गई है या नहीं। ये ऑटोमेटिक भी खुल जाता है अपने आप क्रिएट होने के बाद। तो अब एक बार हम डेस्कटॉप पर चेक कर लेते हैं, ये हमारी फाइल है पीडीएफ की। तो दोस्तों, ये मेरा पीडीएफ क्रिएट हो चुका है। प्रॉपर्टी में जाके एक बार इसका मैं चेक कर लेता हूँ, तो एडोब रीडर दिखा रहा है। दोस्तों, अब एक बार हम देखते हैं कि इसी फाइल को हमें जेपीजी बनाना है। तो वो किस तरह से बनाएंगे, कंट्रोल पी करेंगे, पीडीएफ क्रिएटर पर क्लिक करेंगे और ओके करने के बाद यहाँ हमें सेव एस पीडीएफ नहीं करना है, सेव एस करना है ओनली। तो यहाँ पर ऑप्शन देगा जेपीजी, जेपीजी के बाद हमें कंटिन्यूस करना है। कंटिन्यूस पर क्लिक करते के साथ ही ये हमसे पूछेगा कहाँ पर फाइल सेव करनी है। वहाँ पर सेव करने के बाद सेव कर देंगे और अब हम डेस्कटॉप पर आकर देखेंगे कि हमारी जेपीजी फाइल भी आ चुकी है डेस्कटॉप पर। ये हमारी जेपीजी फाइल बन गई है। एक बार हम इसकी प्रॉपर्टी में जाके चेक कर लेते हैं कि जेपीजी फाइल ही है या कोई और सी फाइल है। तो प्रॉपर्टी में देखते हैं, ये दोस्तों हमारी जेपीजी फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब एक बार हम दोस्तों हम चाहते हैं इसी की पीएनजी फाइल बनाना, तो इसी डॉक्यूमेंट की हम पीएनजी फाइल भी बना सकते हैं। वो किस तरह से बनाएंगे, एक बार और हम दोबारा से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल लेते हैं। यहाँ पर हम कुछ भी टाइप कर लेते हैं एक बार। जैसे ये मेरी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है, थोड़ा सा साइज बड़ा करके। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, वैसे ही करना है। मेन्यू में जाकर प्रिंट पर जाना है और नीचे पीडीएफ क्रिएटर को सेलेक्ट करना है। ओके करते के साथ ही यहाँ से मेरे पूछेगा सेव एज। तो यहाँ पर मुझे जेपीजी की जगह पीएनजी को सेलेक्ट करना है। पीएनजी को सेलेक्ट करते के साथ ही कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जहाँ भी हम इसको सेव करना चाहते हैं वहाँ पर सेव करना है। बाहर आकर हम एक बार डेस्कटॉप पर चेक कर लेते हैं, तो ये मेरी पीएनजी की फाइल बन चुकी है। एक बार प्रॉपर्टी में जाकर चेक कर लेते हैं, तो मेरी पीएनजी फाइल क्रिएट हो चुकी है। तो दोस्तों, इस तरह से हम अपने जो पीडीएफ क्रिएटर है एक ही सॉफ्टवेयर से हम कई काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड टेक केयर।